हेलो प्यारे बच्चों, तस्वीर को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि हमारा कौन सा चैप्टर है ये। तो मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत। और नौबत खाने में इबादत जो शब्द चित्र है प्यारे बच्चों, वो लिखा था यतिंद्र मिश्र जी ने। और किन के ऊपर लिखा? प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें भारत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है। हम प्रसिद्ध सेनाई वादक बिस्मिल्ला खान जी को बचपन में अमीरुद्दीन के नाम से जानते थे, जिनका जन्म तो डुमराव गांव बिहार राज्य में होता है, लेकिन ये अपने ननियाल अर्थात काशी वाराणसी बनारस में जब ये 6 साल के थे तब भी अपने ननियाल नाना जी के घर आ चुके थे। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ये सेनाई वादक बने, किस प्रकार से इन्हें संगीत की ओर आकर्षित हुए। तो जब ये 6 वर्ष के थे तो अब ये नाना जी के घर आ गए, तो इनके नाना जी प्रसिद्ध सेना ही बजाया करते थे। और वैसे इन्होंने बताया भी है हमें शब्द चित्र में कि जो बालाजी मंदिर था काशी में, वहां उनके नाना जी सेना ही बजाया भी करते थे। जब उनके नाना जी सेना ही बजाया करते थे, छुप छुप के सुना करते थे, जब नाना जी उस बांसुरी को रख करके, सेनाई को रख करके चले जाते थे, तो उन बांसुरियों में से उस मीठी बांसुरी को ढूंढते थे जिसे उनके नाना जी ने बजाया था। उनको लगता है कि जो मीठी बांसुरी थी उसे उनके नाना जी ने छुपा दी है, पर उन्हें क्या पता बचपन में कि प्रत्येक बांसुरी से वो मीठी ही सुरीली आवाज निकालते थे। लेकिन हम जानने की कोशिश करें कि उन्हें सहनाई की ओर, संगीत की ओर कैसे ललक पैदा हुई। तो पहला तो यही है कि उनके नाना जी को बजाते उन्होंने सुना। दूसरा सबसे बड़ा कारण, वास्तविक कारण जिसमें उनको लगन हो गई, एक आकर्षित हो गए संगीत की तरफ, सहनाई वादन की तरफ, वो दो बहनें थी, रसूलन बाई और बतूलन बाई, दोनों गायिकाएं। जिस रास्ते से वो जाते थे रोजाना, उस रास्ते से उन दोनों बहनों की गाने की आवाज वो सुना करते थे, जिससे उनको चेती, ठुमरा, दादरा आदि उन्हें सुनाई पड़ता था और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता वो, इसलिए वो रोजाना उसी रास्ते से जाते थे। और जब ये 14 साल के हुए तो उनके एक एक संगीत के एक एक वर्णमाला, एक एक अक्षर को लेकर के इन दोनों बहनों ने, रसूलन भाई और बतूलन भाई ने उन्हें निखारा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक तो नाना जी और दूसरा रसूलन भाई और बतूलन भाई, दोनों बहनों ने उनके इस संगीत को उकेरा है, यानी कि संगीत की ओर उन्होंने आकर्षित किया है इन दो बतूलन भाई, रसूलन भाई और इनके नाना जी ने। इनके गुरु का नाम बात करें संगीत के अंतर्गत तो अमीर बख्श थे। वैसे इन्होंने बताया भी है कि हमारी पूरा खानदान था वो शुरू से ही सहनाई वादन किया करता था। जब एक बार की घटना है कि एक बार क्या हुआ, ये कहीं सहनाई बजाने गए हुए थे, लोग इनका मान सम्मान कर रहे थे, इनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी, तो एक इनकी शिष्या ने पूछा कि हे बाबा, तुम्हें लोग इतना मान सम्मान देते हैं, तुम्हें भारत रत्न मिल चुका है, तुम्हें शर्म नहीं आती ये फटी तहमत पहनते हुए, तुम ये मत पहना करो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, तद बगली यानी कि ए पगली, यह भारत रत्न है ना, मुझे इस लुंगिया पे ना मिला है, मुझे भारत रत्न मिला है सेनाई वादन में। लुंगिया का तो क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी, लेकिन जो बेसुरा सुर है वो कभी नहीं सिया जा सकता, मतलब वो कभी सिला नहीं जा सकता। तो मैं अपने खुदा से यही मांगता हूं कि मुझे अच्छा सच्चा सुर दे, जिससे कि लोग अनगढ़ आंसू गिराने लगे और उन्हें महसूस हो कि हाँ वास्तव में एक संगीत है, जिससे कि हम लोग अपने बुरे दिनों को हम लोग भूल सकते हैं, अपने दुखों को हम लोग भूल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान जी के ऊपर जो ये शब्द चित्र लिखा गया नौबत खाने में इबादत, तो प्यारे बच्चों से हमें यही शिक्षा मिलती है को हमें धैर्य रखते हुए ईश्वर से सुबह शाम 5-5 मिनट प्रार्थना करनी चाहिए, और उसमें हमें यही मांगना है कि मुझे हे भगवान, मुझे ऐसा ज्ञान दे, ऐसी शक्ति दे कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, मैं अपने देश का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने माता पिता का नाम भी रोशन करूं। ओके बच्चों, धन्यवाद।